ट्रेंट, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 15 जुलाई से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में ये संभावना जताई है कि जो एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर को हो सकता है। तो 30 सितंबर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और आज हम यहाँ पे बीपीएससी की के 69 बीपीएससी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। कौन सी किताबें पढ़नी है, बुक लिस्ट कौन कौन से होंगे, है ना, अपने स्ट्रेटजी में आपको कैसे अपना रूटीन बनाना है, इन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 69 बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर ले। इस बार आपको पता है कि फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने एक कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का फैसला लिया है, यानी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके साथ साथ कुछ अन्य एग्जामिनेशन जैसे CDPO, है ना, और कुछ टेक्निकल एग्जामिनेशन है जो टेक्निकल पद हैं उनके लिए भी कंबाइंड एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का फैसला लिया है, है ना। तो अगर आप 69 बीपीएससी के नोटिफिकेशन को देखें तो उसमें दो लिस्ट है, है ना, जो पद निकाले गए हैं। टोटल पद 346 पद इस बार वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 235 पद लिस्ट वन में दिया हुआ है और 111 जो पद हैं वो लिस्ट टू में दिया गया है, यानी दो सारणी दिया गया है। आप पदों की बात अगर पद की संख्या को देखेंगे तो नोटिफिकेशन में दो लिस्ट दिया गया है, दो सारणी दिया गया है। सारणी वन में वैसे पद हैं जो जिसपे बीपीएससी रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते आ रही थी, और दूसरा लिस्ट है उसमें जो एडिशनल एग्जामिनेशन जिसका बीपीएससी सिविल सर्विस के साथ ही एग्जाम होना है उनका उनके पद का लिस्ट दिया हुआ है, है ना। तो अगर हम पदों की बात करें तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जिसपे बीपीएससी रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते आ रही है उसमें 235 पद इस बार वैकेंसी दी गई हैं, है ना, जिसमें SDM और DSP का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है। और अगर हम सारणी टू की बात करें तो इसमें CDPO के और वाणिज्य पदाधिकारी के और साथ ही साथ DSP टेक्निकल के कुछ पद डाले गए हैं, है ना। तो टोटल पदों की संख्या है 346, जिसमें से 235 पद हैं जो सिविल सर्विसेज यानी बीपीएससी प्रशासनिक सेवा से जो रिलेटेड पद हैं उनसे है, और जो 111 पद हैं वो विभिन्न अन्य पदों को उसमें डाला गया है, जैसे CDPO के, वाणिज्य पदाधिकारी के और DSP टेक्निकल के पद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वाणिज्य पदाधिकारी का पद है, लेकिन लिस्ट टू में तीन जो पद दिए गए हैं जिसमें CDPO, वाणिज्य पदाधिकारी और DSP टेक्निकल, इन तीनों पदों के लिए आपको एक विशेष योग्यता की जरूरत होगी। जैसे CDPO की बात करें तो CDPO के लिए मेंस में आपको वैकल्पिक विषय के रूप में या तो होम साइंस, या तो सोशियोलॉजी, या तो साइकोलॉजी, या तो LSW, इन सारे वैकल्पिक विषय को में से कोई एक विषय ही चुनना होगा। तो ये CDPO के लिए विशेष प्रावधान है। उसी तरह वाणिज्य पदाधिकारी का जो पद है उसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो कॉमर्स में, या तो मैथ में, या तो इकोनॉमिक्स में, या फिर स्टेटिस्टिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप उस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो तीसरा है DSP टेक्निकल, उसके लिए एक पोस्ट निकाला गया है, उसमें उसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यानी इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। तो जो लिस्ट टू में जो तीन पद दिए गए हैं, तीन रिक्तियां जो दी गई हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, यानी विशेष योग्यता दी गई है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो जनरल पद है, है ना, जो जिसपे बीपीएससी हमेशा एग्जाम कंडक्ट कराते आ रही है, उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरत है। लेकिन जो अलग आप अगर पद आपको भरना है जिसके लिए आप अगर योग्य हैं तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा कि जैसे डीएसपी टेक्निकल के लिए आप योग्य हैं क्योंकि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वहाँ फॉर्म भरते समय आपको वो टिक करना होगा। और इन सारे पदों के लिए एक साथ एग्जामिनेशन होने वाला है 30 सितंबर को। तो ये सबसे विशेष बात है इस बार के नोटिफिकेशन के लिए।
हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे 69th बीपीएससी को हमें क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से नोट्स हमें फॉलो करने हैं, है ना, हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए, इन सब पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार का जो 69 बीपीएससी है उसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है। अगर जनरल पदों की बात करें तो 235 ही है और 111 जो पद हैं वो विशेष योग्यता वाले पद हैं। तो 235 पद में अगर 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और मेंस के लिए 10 गुना यानी जितना रिक्तियां आई हैं उसका 10 गुना ही बुलाया जाता है, तो लगभग 2300 या 2400 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है इस बार और आप प्रीलिम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी आपको प्रीलिम्स क्लियर करना ही होगा क्योंकि इस बार कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो प्रीलिम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको अभी से ही स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी होगी, यानी प्रीलिम्स हमारे लिए इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले बात करें बुक लिस्ट की, कौन कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है। जैसा कि आपने पिछले बार 68 बीपीएससी में आपने परीक्षा के पैटर्न को देखा तो उसमें काफ़ी बदलाव आया है, है ना। एक तो निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन का लेवल है, है ना, जो स्तर है उसको बढ़ाया गया है, है ना, स्टेटमेंट वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चूंकि निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, यानी पहले जो आप फैक्चुअल चीज़ों को जो आपसे पढ़कर एग्जामिनेशन के लिए जाते थे वो अब यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जिन पे आपको निर्भर रहना होगा, जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे और आने वाले समय में और भी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्या होता था, ज्योग्राफी के लिए हम घटनाचक्र लगाते थे या फिर लूसेंट के फैक्चुअल चीज़ें पढ़कर जाते थे, विश्व खासकर जो विश्व का गोल है, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फैक्चुअल चीज़ों से हमारा काम हो जाता था। लेकिन इस बार बहुत अच्छे क्लाइमेट से बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए आपको 11th 12th की जो एनसीईआरटी है, 4 किताबें हैं 11th 12th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की, उसको आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ फैक्चुअल के लिए, फैक्चुअल चीज़ों के लिए महेश वर्णवाल की जो किताब है उसको आपको एक बार जरूर उसे पढ़ना चाहिए, उसमें फैक्चुअल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्चुअल चीज़ें दी गई है। उसी तरह अगर पॉलिटी की बात करें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो सिर्फ लूसेंट पढ़ के या इधर उधर का नोट्स पढ़ के आपका ये नहीं होने वाला है, आप लक्ष्मीकांत को आधार बनाएं और सिलेक्टेड टॉपिक्स को वहाँ से पढ़ें, है ना, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, पंचायती राज है, इन सारे टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ें। सॉरी, ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको काम आएगा, है ना। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से हम कवर करें। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जैसा था फैक्चुअल वैसा आगे भी पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री के लिए आपको अच्छे सोर्स को रखना है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, दैट विल बी द मोर देन सफिशियंट, है ना। और साथ ही साथ लूसेंट को आपको फॉलो करना है, है ना, मिडाइवल और एंशिएंट के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, स्पेक्ट्रम में बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और जिससे आपका कोई क्वेश्चन वहाँ से एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए आप घटनाचक्र का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सारा लगा सकते हैं, यहाँ पे घटनाचक्र बहुत ही काम आने वाला है हिस्ट्री में। उसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही बेसिक जो है, बेसिक आप पढ़ के जाएं, जैसे मुद्रा स्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, है ना, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जीएनपी में क्या रिलेशन है, नेशनल इनकम क्या होता है, आरबीआई का क्या काम है, है ना, बैंकिंग सिस्टम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मुद्रा जो नीति है वो क्या होता है, वित्तीय नीति क्या होता है, फाइनेंस पॉलिसी क्या होता है, ये सारा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी किताब से, किसी भी बेसिक नोट से आप इन कंसेप्ट को पढ़ लें,
लेकिन जो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, चाहे वो इंडिया का बजट हो, है ना, चाहे वो बिहार का बजट हो, चाहे इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से तैयार करके जाएं, और इसके लिए किसी का नोट्स आप फॉलो ना करें, बल्कि जो गवर्नमेंट का जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ रिलीज किया जाता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए, उसको पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और उसका एक नोट्स बना लें, है ना। क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे पिछले 68 बीपीएससी में, और आने वाले बीपीएससी में भी ये सवालों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़ें, और साथ ही साथ जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का उसको आप कवर करें। इसके अलावा बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के लिए कोई भी किताब आप फॉलो कर सकते हैं जो बिहार से रिलेटेड हो, जैसे बिहार समग्र है, या फिर इम्तियाज अहमद की किताब है, वो हिंदी में है, उसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा केबीसी नैनो की किताब आती है, उसको आप कवर कर सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है बिहार स्पेशल के लिए, उसको आप कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए, साइंस इस बार काफ़ी अच्छा पूछा गया था, साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी डाले गए थे, तो साइंस के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इस बार लगाना चाहिए। तो 9th-10th का जो बेसिक किताब है साइंस का, एनसीईआरटी, 9th-10th की एनसीईआरटी है, उसको आप पढ़ें, है ना। 9th-10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसको आप पढ़ें। साथ ही साथ लूसेंट की जो स्पेशल साइंस के लिए जो किताब आती है ना, लूसेंट की किताब आती है एक साइंस के लिए अलग से, उसको आप जरूर पढ़ें, है ना। वे साइंस इस बार काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, खासकर फिजिक्स में, तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 9th-10th का आप एनसीईआरटी पढ़ें ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके अलावा आप लूसेंट की एक किताब आती है साइंस की, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, है ना, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर उठा लें, प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे विटामिन से बायोलॉजी की बात करें अगर, तो फिजिक्स में आपका लॉ, वेव्स, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से वो सिलेक्टेड टॉपिक वहाँ से पढ़ें। साथ ही साथ घटनाचक्र लगा लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लें। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। अब इसके अलावा ये किताबों की लिस्ट हो गई, और क्या करना है हमें, डेली बेसिस पे हमें एक पेपर सॉल्व करना है, है ना। अभी से लेकर आदत बना लें, कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज मिल रहा हो, कोई भी क्वेश्चन मिल रहा हो, डेली बेसिस पे एक सेट जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखा गया है कि नॉलेज के साथ साथ आपका जो एप्लीकेबिलिटी है नॉलेज की, वो काम आता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अपने नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और वो बेहतर आपका होता जाएगा, है ना, स्कोर आपका बेहतर होता जाएगा, गलतियाँ कम होगी। जो सिलेक्शन नहीं होता है वो सबसे बड़ा उसमें कारण है छोटी छोटी बारीकी, छोटी छोटी गलतियां करना। तो जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना छोटी छोटी गलतियों को दूर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन आप एक सेट बनाएं, एक सेट का मतलब है एक पूरा प्रैक्टिस सेट बनाएं, और एक दिन उसको पूरा एनालाइज करें, क्योंकि बिना एनालिसिस से सेट बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट दीजिए, लेकिन उस टेस्ट को पूरा एनालाइज कीजिए, आपने कहाँ पे गलतियाँ किया है, गलती की है, और वो गलती क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि जनरली क्या होता है, गलतियाँ बार बार रिपीट होती है, गलतियों का भी एक पैटर्न होता है, आप बार बार सेम गलती करते हैं, तो उसको आपको पकड़ना है और उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। और धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, उसको और रिवाइज कीजिए, तो अभी समय है। तो प्रैक्टिस करते रहें, हर एक दिन मतलब डिले करके एक दिन आप टेस्ट दें, और एक दिन पूरा एनालाइज करें, फिर अगले दिन टेस्ट दें, फिर एनालाइज करें, इस तरह से प्रोसेस जारी रखें। 2 घंटे का समय आप निकालें प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, और नेक्स्ट डे उसको फिर एनालाइज करें, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दें, फिर एनालाइज करें, इस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके सामने अभी प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं तो मेंस के लिए बहुत एक आपके पास एक जोश होगा, है ना। जब एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इंसान बहुत ही इंथुजियास्टिक हो जाता है, मोटिवेटेड होता है, तो अभी पूरा फोकस आपको प्रीलिम्स पे करना है, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको और क्या करना है, करेंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स सबसे टफ, जो मेरा मानना है कि सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि जिन्होंने करंट अफेयर्स पे कमांड कर लिया उनका सिलेक्शन होना तय है, और जिनका गलती हो जाता है एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में, वो बाहर हो जाते हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करंट अफेयर्स को कैसे करें, पिछले एक साल का देखा गया है, पिछले 6-7 महीने का जो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पिछले 4-5-6 महीने का जो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से रहेगा। तो
आप ऐसा करें कि एक साल का करंट अफेयर्स पे कमांड करें, है ना। उसके लिए क्या करना है, देखिए करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन में, अगर आप देखें पिछले एग्जामिनेशन में 68 बीपीएससी में, तो करंट अफेयर्स फैक्ट वन लाइनर करंट अफेयर्स अब काम नहीं आ रहा है ना। अब जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं बहुत ही डीप, है ना, डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं, है ना, कुछ अलग तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको कवर कैसे करेंगे। जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो डीप में जाके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते वो कैसे कवर करें। उसके लिए एक है इंग्लिश वालों के लिए एक वेबसाइट है जीके टुडे। जीके टुडे में पिछले एक साल का जितना करंट अफेयर्स आया है उसको आप कवर करें, थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ें, या किसी भी कोचिंग का जो एक साल का मैगजीन है जो डिटेल में दिया हो, है ना, वन लाइन है नहीं, डिटेल में दिया हो, उसको आप जाकर कवर करें। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो चंद्रयान 3 के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी तथ्य हो सकते हैं, उनको जाके आप पढ़ें। मतलब लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल भेजे गए हैं, है ना, वो मॉड्यूल वहाँ पे चंद्रमा पे कितने दिन रहेंगे, ठीक है, इसका मिशन क्या है, क्या पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी भी स्मार्ट होता जा रहा है ना, करंट अफेयर्स को उस तरह से बना रहा है। तो इंग्लिश में एक है सोर्स जीके टुडे, या कोई भी जो मंथली जो मैगजीन है उसको कवर करने का प्रयास करें, लेकिन डिटेल में पढ़ें उस घटना को, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स पे आप पकड़ बना सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा हो, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपका पर्सनल मेंटर हूँ, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके 7827446328 पर मुझसे राय ले सकते हैं, स्ट्रेटजी के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, कई सारे बच्चे मेरे गाइडेंस में सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं आपको इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू।